जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र बिलासपुर एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी चेतना संस्था बिलासपुर के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांगों के लिए सहायता उपकरण वितरण समारोह का आयोजन वन विश्राम गृह कुठेड़ा परिसर में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सदर विधायक सुहास ठाकुर ने की। उन्होंने बताया कि केंद्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगों की विभिन्न योजनाएं चलाई गई है। दिव्यांग हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण लोग हैं। उन्होंने लोगों से दिव्यांग आर्थिक तथा मोरल सपोर्ट के लिए सहयोग की कामना की है। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र बिलासपुर एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी चेतना संस्था बिलासपुर के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांगों के लिए सहायता उपकरण वितरण समारोह का आयोजन वन विश्राम गृह कुठेड़ा परिसर में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सदर विधायक सुवास ठाकुर ने की। उन्होंने बताया कि केंद्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगों के विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं। दिव्यांग हमारे समाज के महत्वपूर्ण लोगों में से हैं। उन्होंने लोगों से दिव्यांग आर्थिक तथा मोरल सपोर्ट के लिए सहयोग की कामना की। उन्होंने बताया कि दिव्यांग सभी क्षेत्रों में कई कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से दिव्यांग की सहायता के रेड क्रॉस सोसाइटी में सहयोग देने का आग्रह किया। उन्होंने इस उपलक्ष्य पर कई दिव्यांग बच्चों को पात्र लोगों दिव्यांग उपकरण भी वितरित किए गए। इस अवसर पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव अमित हुकम व पूर्व मंडल अध्यक्ष कुलदीप, जिला परिषद सदस्य भारत भूषण, ग्राम पंचायत प्रधान सुमन चंदेल, उप प्रधान देशराज सुरेश ठाकुर, बीडीसी निशा और गरदारी उपस्थित थे। रेड क्रॉस की तरफ से इसका आयोजन और जिस तरह से मुझसे पूर्व सभी जितने भी मंच पर यहां पर अपना संबोधन करके गए उन सब ने इसके विषय में बात रखी है। मैं इसी के साथ जोड़ना चाहता हूं कि हमारे समाज में जो किन्हीं कारणों से कुछ बाय बर्थ हैं, कुछ एक्सीडेंट के कारण, किसी और कारण दिव्यांग हुए हैं और जिनको आवश्यकता है समाज में जो संवेदनशील लोग हैं, सामाजिक कार्यों में जो लोग लगे हैं, जो समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हैं, समाज के लिए पुण्य का काम करते हैं, वो लोग रेड क्रॉस से भी जुड़े हैं और वही लोग दिव्यांगों की भी चिंता, उनका दर्द बांटने के लिए सहयोग भी करते हैं। और जो संस्थाएं, जिस तरह से चेतना संस्था है, अन्य संस्थाएं हैं, वह भी इन समाज के जो ये दिव्यांग हैं और वो परिवार जिनमें ऐसे बच्चे हैं और वो बच्चे भी अपने आप को जिस तरह से उनको समाज से भी प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है।